सीन की शुरुआत एक खंडर से होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुनसान होती है, जहाँ पर तीन लोग कुछ खास चीज को ढूंढने आते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और उसका एक फ्रेंड होता है, जिसमें हस्बैंड का नाम जेम्स होता है, वाइफ का नाम ओलिविया होता है। ये तीनों बुक को ढूंढने आते हैं और जिस बुक का नाम होता है द बुक ऑफ डार्कनेस, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये जेम्स अपनी बेटी को खो चुका है, जिस वजह से ये बुक ढूंढ रहा है। उनको प्राचीन मंदिर में मिलता है और जिस मंदिर का नाम होता है लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, और सारे अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें एक खंडर की जगह मिलती है, जहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज और हड्डियां पड़ी होती हैं, जहाँ पर जेम्स को वो बुक मिल जाती है। उसके बाद ओलिविया और उसके फ्रेंड को एक नदी दिखती है जो कि देखने में बहुत ही अजीब लग रही थी, और जेम्स का सारा फोकस उस बुक में होता है और उसका फ्रेंड बार बार उसे डिस्टर्ब करने की वजह से जेम्स उसे शूट कर देता है, और जेम्स उस बुक के रूल्स को फॉलो करता है और वो वही करता है जहाँ से उसने बुक उठाई थी, और वो अपनी वाइफ को वहाँ पे लिटा देता है। और ओलिविया भी यही चाहती है कि मेरी बेटी जल्दी से जल्द मिल जाए, और जेम्स वहाँ पर मंत्र पढ़ने लगता है, और मंत्र पढ़ने से ही वहाँ पर तबाही शुरू हो जाती है और वहाँ का शहर पूरा तबाह हो जाता है और वहाँ की चीजें टूट टूट कर गिरने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जेम्स के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है, जिस वजह से वो दब जाता है। उसके बाद जेम्स अपनी वाइफ को बोलता है कि ओलिविया तुम इस बुक को लेकर यहाँ से चली जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी का सीन चेंज होता है जो कि प्रेजेंट में होता है, और ओलिविया अपनी नींद से जाग जाती है, जिसके बाद हम सरगी नाम के एक डिटेक्टिव को वहां पर देखते हैं, जिसने अपना भेष बदल चुका होता है क्योंकि वो एक मर्डर को देख रहा होता है, जिसने तीन लड़के को बहुत बुरी तरह मार दिया होता है। लेकिन वहां पर डिटेक्टिव सर्वे लोगों के द्वारा पकड़ा जाता है, और जैसे ही वो लोग सर्गे को मारने के लिए जाते हैं, वहां पर उसका फ्रेंड फियोडोर वहां पर पहुंच जाता है, और वो एक ऑफिसर होता है, जिस वजह से वो वहां के लोग डर के वजह से भाग जाते हैं। तभी हम दूसरी साइड उसी शहर में देखते हैं कि एक लेडी को बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है, और साथ ही साथ उस लेडी का दिल निकाल लेते हैं। उसके बाद वहां पर एक अंडा भी मिलता है और उसी अंडे पे एक रिचुअल का साइन होता है, और वो लोग समझ जाते हैं कि शायद इसको भी उसी ने मारा होगा जिसने कि पहले तीन हत्याएं करी हैं। सर्गे तभी उन्हें बताता है कि ये उसी पैटर्न में मारता है और सिर्फ लड़कियों पर ही अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस अंडे को सर्गे और उसका फ्रेंड फ्योडोर वहां पर एक साइंटिस्ट के पास लेकर जाते हैं और उससे पूछता है कि इस अंडे में ऐसा क्या है। उसके बाद वो साइंटिस्ट उनको बोलता है कि ये हेल्दी वे में है, यानी कि इससे बुरी शक्तियां दूर रहती है। तभी उस ऑफिसर की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जो कि सेम सिंबल था, जो कि ओलिविया का शो का पोस्टर होता है, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए उसी फंक्शन में ये लोग जाते हैं जो कि सारी चीजें पता चल लगा सके। तभी हम देखते हैं कि ओलिविया अपना हैवी मैजिक शो वहां पर दिखाती होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों में आग निकालती है, और जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिसर बेस्ली को और साइंटिस्ट को काफी मजाक सी बातें लग रही होती हैं और वो हंस रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ओलिविया उसी सिंबल को क्रिएट कर देती है और वो दुनिया का एक दरवाजा ओपन कर देती है, और जिसकी मदद से जो भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे, जो भी उनकी फैमिली मर गई थी, वो वहाँ पर देख सकते थे। तभी हम देखते हैं कि सर्गे और उसका फ्रेंड बाहर आता है और कहता है कि ये बात सही नहीं हो सकती, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं कि ऑफिसर वेस्ली घर जाकर एक लेडी को बहुत सारे पैसे देती है और कहते हैं कि ये इसके बारे में तुम किसी से भी शेयर मत करना। और तभी वो लेडी बाहर निकलती है तो देखते हैं कि वो सीरियल किलर उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ कर एक तय खाने में ले जाता है, जहाँ पर वो बुक रखी होती है, और वहां पर हम देखते हैं कि एक आदमी बुक को पढ़ के उसके रिचुअल्स को फॉलो करके किसी की बलि दे रहा है। फिर अगले दिन फ्योडोर और सर्गे को एक क्लू मिलता है, किसी आदमी ने किसी की लाश को उसी बैलगाड़ी में जाते हुए देखा है और उस आदमी को पता होता है कि वो लकड़ी की गाड़ी किस साइड गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्गे को भी कुछ बात पता चलती है, जो कि वो सीरियल किलर उसके सिंबल के थ्रू ही वो सबकी मर्डर करता है। और हम देखते हैं कि उसी पैटर्न को सॉल्व करते हुए हमें एक और लाश मिलती है जिसकी आंखें निकाल ली गई होती हैं। तभी सर्गे ओलिविया के पास जाता है और पूछता है कि ये रिंग लो और मेरी वाइफ के बारे में बताओ कि मेरी वाइफ की मौत कैसे हुई, जो कि उस किलर की लास्ट विक्टिम होती है, और सर्गे ये बात झूठ बोलता है ताकि ओलिविया कंफ्यूज हो जाए। तभी ओलिविया सर्गे को बोलती है, मैं ट्राई करूंगी लेकिन मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती,
क्या पता वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे या ना दे। फिर भी सर्गे ओलिविया को बोलता है कि तुम अपने रिचुअल्स को स्टार्ट करो। उसके बाद ओलिविया वहां पर स्टार्ट कर देती है और वहां की चीजें जोर जोर से हिलने लगती है। वो ठीक ठीक लास्ट की विक्टिम की चीजें बता देती है जो कि वो रिंग सर्गे की वाइफ की होती है, लेकिन वो लास्ट वाली विक्टिम से कोई भी बात रिलेटेड नहीं होती है। और सर्गे यही बात जान के ओलिविया को पकड़ लेता है कि ये सारी बातें झूठ बोलती है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। तभी सर्गे ओलिविया को ले जाकर सारी बॉडीज दिखाता है और कहता है कि ये सारे खून तुमने ही करे हैं, और ओलिविया को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ वो हत्यारा फिर भी वहां पर घूम रहा था और वहीं पर एक नई लड़की को फिर से अपने जाल में फंसा रहा था। और हम देखते हैं कि ओलिविया अपने शक्ति से उस लड़की को देख लेती है और सर्गे को सारी बातें बता देती है, और साथ ही साथ सब कुछ बता देती है कि उस लड़की को कहाँ पकड़ा गया और उसको कहाँ मारने वाला है। लेकिन सर्गे उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और सर्गे ओलिविया को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद ओलिविया वहीं पर जाती है जहाँ पर उस लड़की को पकड़ के रखा है, और ओलिविया वहीं पर पहुंचती है और देखती है कि उस लड़की को वहीं पर मार देते हैं। फिर उसके बाद सर्गे के पास आती है और सारी बातें बताती है, लेकिन फिर भी सर्गे उसका विश्वास नहीं करता है। और सबको सर्गे बोलता है कि ये सारे मर्डर में हाथ ओलिविया का ही है, यही सबको मार रही है। लेकिन हम देखते हैं कि ओलिविया को फिर से एक विजन आता है जो कि वो सीरियल किलर उसे मारने वाला है, और ओलिविया उसी सीरियल किलर के हाथ में एक स्नेक का टैटू देखती है जो कि वो सेम ड्राइंग कर देती है। और इसी बात को फ्योडोर उसे सर्गे को बोलता है कि ये टैटू मैंने कहीं देखा है, मैं बता दूंगा ये मैंने कहाँ देखा है। और वो लोग वहां से जाते हैं उस आदमी के पास। जैसे वो आदमी मिलता है और कहता है कि मैं सीरियल किलर नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। और वो आदमी उन्हें बताता है कि मैंने सीरियल किलर को देखा है जो कि एक लड़की को फिर से मारने वाला है, और मैंने काफी रोकने की कोशिश करी लेकिन वो यहाँ पर रुका नहीं। और उस आदमी को उसकी वॉच मिलती है और वो उसे देता है, और फिर डिटेल्स निकालने के बाद वो घड़ी ऑफिसर वेस्ली की होती है। उसके बाद वो पुलिस उसी के घर जाती है और चारों तरफ तहकीकात करती है, जहाँ पर देखते हैं कि ताजे खून से सने हथियार वहां पर रखे होते हैं, और वो पुलिस वाले साइंटिस्ट वेस्ली को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और वो उससे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसे वहां पर बताते हैं कि ये खून मेरे पेट का है जो कि एक मैजिकल रिचुअल के कारण मारा गया। और बात रही मेरी वॉच की, तो मैंने अपनी नौकरानी को दे दिया ताकि उसका मुंह बंद रहे। तभी वो शिकार हो गई सीरियल किलर की और मेरी वॉच उसके पास चली गई। और ये बात सही हो जाती है क्योंकि जिस दिन उसका मर्डर हुआ था वो बेस्ली इस शहर में नहीं था। तभी उसके बाद उस बेस्ली की बात को विश्वास कर लेता है और उसे छोड़ देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओलिविया की बात पे भी सर्गे विश्वास कर लेता है और ओलिविया की बातें सारी सच निकलती हैं। तभी ओलिविया सर्गे को बताते हैं कि इसके अनुसार फिर से वो 9 लड़कियों को मारेगा जिससे कि उसका स्पेशल रिचुअल पूरा हो, और इसी 5 शेप से 5 डेथ ऐसी होगी जिस लड़कियों का दिल निकाल लिया होगा। और 6वीं डेथ किसी की आंखें निकाल लेगी, 7वीं डेथ धरती में दबाकर मार देगा, 8वीं डेथ की आग में जला के मार देगा, और 9वीं डेथ हवा में उड़ा के उसे मार देगा, जिस वजह से ओलिविया और सर्गे की फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद ओलिविया अपने पास्ट के बारे में सर्गे से शेयर करती है, और मेरा बचपन बहुत ही ज्यादा कठिन भरों से गुजरा है जिस वजह से मेरे पेरेंट्स और मेरे आसपास के लोग मुझे चुड़ैल बोलते थे, और वहां से मैं छोड़ के आ गई थी। और उसके बाद मेरी मुलाकात जेम्स से हुई, और जो कि पहले तो बहुत अच्छे से रहता था, फिर दिन पर दिन वो मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा था और मुझे परेशान करने लगा था। और उसके बाद में सिर्फ मेरे एक ही सहारा थे जो कि मेरी एक बेटी थी, और वो भी बहुत जल्दी ही मर गई थी जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन वहां पर हम देखते हैं जेम्स बहुत ही ज्यादा पागल सा हो गया था। और उसके बाद सर्गे अपने पास्ट के बारे में ओलिविया को बताता है कि जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी वो अपने प्रेग्नेंसी के लास्ट स्टेट में काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, और डॉक्टरों ने यहाँ तक कि बोल दिया था माँ या बच्चे को हम बचा पाएंगे, और मैंने इस फैसले को काफी देर में लिया था जिस वजह से दोनों की मौत हो गई थी। और इसी बीच देखते हैं कि ओलिविया को फिर से वही विजन आ रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि एक लड़की को फिर से वो जमीन पे गाड़ देगा, और देखते हैं कि वो
सीरियल किलर उस लड़की को जिंदा ही दफना देता है। फिर वो दोनों एक शमशान की तरफ जाते हैं और उस लड़के को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा देर कर दी थी, वो लड़की वहां पर मर गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्गे बहुत ध्यान से वहां पर देख रहा होता है, लेकिन वहीं पर देखते हैं कि ओलिविया को वो सीरियल किलर उठा के लेकर जा रहा था। फिर सर्गे उसके पीछे दौड़ता है, काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वो सीरियल किलर वहां से निकल जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फ्योडोर उसी सीरियल किलर की पोस्टर की मदद से उसे ढूंढ रहा होता है, और फ्योडोर उसे ढूंढते ढूंढते एक हवेली की तरफ पहुंच जाता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि फ्योडोर भी उसी जगह आ जाता है जहां पर ओलिविया होती है, और वही किलर उन पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सर्गे और उसकी टीम वहां पर देख रही होती है, लेकिन वो वहां पर मिलते नहीं है, और जल्दी ही उसको एक लाश मिलती है, और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उस लड़के की बलि उस किलर ने उस हवा में दी होती है। उसके बाद सर्गे उस हवेली के अंदर जाता है, फिर उसे एक और लाश लड़की की मिलती है, और वो लड़की जेम्स की बेटी होती है। उसके बाद सर्गे वहां पर आसपास देखना शुरू कर देता है। उसके बाद उसे वही बुक मिलती है जिसके अंदर आग में बलि देने का जिक्र होता है, और ये आखिरी बलि होती है, और साथ के साथ वो किलर भी वही होता है जहाँ पर वो आखिरी बलि देगा, जो कि शहर के बीचों बीच होगा, और वो नया साल का दिन होगा, और यहाँ पर किलर का फेस रिवील होता है, और कोई नहीं, वो ओलिविया का हस्बैंड होता है जेम्स, और वो पत्थर के नीचे नहीं दबा था, वो सिर्फ एक नाटक था। और उसके बाद वो ओलिविया की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर सर्गे आता है और उसको शूट कर देता है, और वहां पर चारों तरफ आग फैल जाती है जिस वजह से जेम्स वहां पर जल जाता है, और वो रिचुअल वहां पर पूरा हो जाता है और उसकी बेटी फिर से जिंदा हो जाती है। और वहां पर हम देखते हैं कि ओलिविया वहां पर फंसी थी, लेकिन आखिरी में सर्गे उसको बचा लेता है, और ये मूवी का एंड यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।